हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं श्यामा के चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम श्यामा के चावल की खीर बनाएंगे। श्यामा के चावल मार्केट में इजीली उपलब्ध है, कोई भी दुकान पे आप बोलेंगे मिल जाता है। इसे हम व्रत में बना के खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस खीर को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आज की मेरी ये खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम श्यामा का खीर बनाना शुरू करते हैं। श्यामा का खीर बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है श्यामा का चावल। ये मार्केट में इजली मिल जाता है। तो हमने 100 ग्राम श्यामा के चावल को 2 घंटा पहले भिंगा के उसे छान लिया है। कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। चीनी लिए हैं हम आधा कटोरी, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा कम कर सकते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर, आधा लीटर दूध। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हमने गैस पे एक बाउल रख लिया है, यानी कि पॉट। उसमें हम दूध डालेंगे। तो पॉट को पहले हम गीला कर लेंगे, इससे क्या होता है दूध नीचे लगता नहीं है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और 1 चमची से हिलाते हुए दूध को उबालेंगे। उबाल लिया है, आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, भिंगाया हुआ श्यामा का चावल को छोड़ देंगे। तो ऐसे हम श्यामा के चावल को छोड़ देंगे। तो हमने चावल को डाल दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाएंगे, यानी कि जब तक श्यामा का चावल गल न जाए तब तक हम इसे पकाएंगे रहेंगे बस। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया खीर तैयार हुई है। इसे हम कोई भी फास्टिंग में बनाते हैं, जैसे नवरात्रि हो, श्रावण का महीना हो, या कोई भी आप व्रत रखते हैं उसमें ये चलता है। अब हम इस पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाला है। तो ये रही अपनी श्यामा की उपवास वाला खीर तैयार है। इसे हम उपवास में बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये श्यामा के चावल की खीर की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।